लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। सीटी का एग्जाम आप जैसे कि जानते हो 1 month प्रीपोन हो गया है और 13 अप्रैल से एक्सपेक्टेड है, तो काफी आपके लिए शॉकिंग रहा है कि 1 month कम हो चुका है। बट हम आपके साथ हैं, हमारी टीम भी आपके लिए हेल्प करेगी प्रिपरेशन में, डेफिनेटली हम आपको बूस्ट करेंगे और हम कहीं ना कहीं आपके लिए प्लान कर रहे हैं कि कैसे एक स्ट्रैटेजी हम आपके लिए बनाएं ताकि आपको कम समय में प्रिपरेशन करने में हेल्प मिले। तो आपके लिए एक सिंपल सा टॉपिक था, हाउ टू प्रिपेयर बोर्ड्स विथ सीटी। क्या इसकी ज़रूरत है? द डेफिनेटली आंसर इज येस, बिकॉज जैसे कि आप देख पा रहे हो टाइम काफ़ी लिमिटेड है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, 1 महीना ऑलरेडी आपका सीटी बिफोर आ गया है। हुआ ये है कि पहले जैसा होता था जेई एंड बोर्ड साथ में होते थे, यही सीन भी वैसा बन के आ रहा है। वैसे ही आपके बोर्ड्स खत्म होते हैं आई गेस 10th of March तक आप बोलो, तो 1 ही महीना बदल रहा है, अदरवाइज 2 month आपको मिलते थे। अब ये फर्क है भला, 1 महीने में प्रिपरेशन करना वर्सेस 2 महीने में प्रिपरेशन करना, फर्क है विदाउट बोर्ड्स प्रेशर। तो डेफिनेटली एक स्मार्ट वर्क आपको करना होगा, अननेसेसरी चीजों को आपको अवॉइड करना होगा, अननेसेसरी बुक्स को आपको अवॉइड करना होगा। तो इस वीडियो में हम शॉर्ट एंड स्वीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि आप बोर्ड्स के साथ में सीटी का तैयारी कैसे कर सकते हो। इट इज नॉट अबाउट 100% प्रिपरेशन। पहला जो टारगेट है ना वो है 50%, दूसरा जो टारगेट है वो है 50%। हम टारगेट करेंगे कि फेब तक ये हो जाए और हम मार्च में रिमेनिंग 50% कर ले। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी नहीं पढ़ के और 50% यहाँ करो, नहीं, आपको पढ़ने सारे ही चैप्टर हैं 12th के, क्योंकि वो सीटी में भी यूजफुल है। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू 11th का वेटेज इट इज ओनली 20%। सो द बिग क्वेश्चन इज हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर बोर्ड विथ सीटी। देखिए, एक चीज आपको करनी है, यू जस्ट प्रिपेयर द चैप्टर, ट्राई टू सॉल्व द MCQs बेस्ड ऑन दैट चैप्टर फ्रॉम एनी MCQ बुक। आप एक MCQ की बुक परचेस कर ले मार्केट से, या फिर अगर आपके पास कोई पास्ट ईयर की बुक पड़ी है किसी भी पब्लिकेशन की, जस्ट यू हैव टू यूज दैट। एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ लें, एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ लें, लेट से 3 दिन में आपने कोई चैप्टर पढ़ा, अब उस पर ही आप MCQ सॉल्व कर लें। उससे कैसा होगा, बोर्ड्स और CET आपका इंटीग्रेटेड हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात है, टफ क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट ना करें, बिकॉज द टाइम इज द की, टाइम ही गेम चेंजर बनने वाला है आपके लिए। तो टाइम वेस्ट ना करें, नहीं आता है इट्स ओके, यू कैन लीव इट एंड जस्ट गो अहेड। अच्छा, दूसरी बात ऐसी है कि 50% जो सिलेबस है ना, व्हेन इट कम्स टू CET, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोर्ड्स के क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अल्टर होके CET में आता है। तो कभी भी एक मेंटालिटी आप ख्याल में रखिए कि चैप्टर का कोई धर्म नहीं होता, और चैप्टर का कोई धर्म नहीं होता कि मैं CET के लिए अलग हूँ, मैं बोर्ड्स के लिए अलग हूँ, चैप्टर इट्सेल्फ इज अ चैप्टर। तो ट्रिग्नोमेट्री जो आपको बोर्ड्स में आएगा वही CET में आएगा, थियरी फॉर्म में बोर्ड्स में आएगा और ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स में CET में आएगा। रही बात डिफिकल्टी लेवल की, तो हो सकता है कई बार MCQ में डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा आ जाए, बट प्रेफरेबली मैं कह दूँ 50% जो है ना वो बोर्ड्स के आसपास ही रहेगा। और मुझे इवन मैथ्स में जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा है, तो आउट ऑफ 50 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 20 से 25 बोर्ड्स लेवल ही रहते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट ये मैं कह सकता हूँ। रेस्ट ऑफ द 25 क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़े एफर्ट्स लेने हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, आप हर एक चैप्टर को प्रिपेयर करें, साथ ही साथ उसके MCQ सॉल्व करें, ताकि आपका जो पर्सपेक्टिव है वो CET पर्सपेक्टिव से भी दिमाग काम करना शुरू हो जाए। साथ ही साथ आप एक चीज नोटिस करें, डोंट रश फॉर एवरीथिंग, 12th का पोर्शन इज अ मेजर फॉर CET, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन दैट। अगर आपने बोर्ड्स अच्छे से पढ़ रखा है PCM या PCB जो भी आपका ग्रुप है, तो एक चीज आप समझ के चलिए कि 200 में से 100 मार्क्स आपके बन चुके हैं, रेस्ट ऑफ द मार्क्स के लिए आपको एफर्ट्स पुट करने हैं। एंड डेफिनेटली आई विल शेयर द स्ट्रेटेजी हाउ टू कवर द सिलेबस इन द नेक्स्ट वीडियो। डू लाइक द वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या हमें ऐसे और वीडियो बनाने चाहिए। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप देख पा रहे हो हम काफी मेहनत कर रहे हैं, काफी टाइम और एनर्जी लगा रहे हैं।
यूजुअली यू विल नोटिस कि ज्यादा व्यूज भी नहीं आ रहे हैं। अगर हम आईआईटी जेई के लिए प्रिपेयर करते कराते रहते थे तो आई होप कि 25-30 हज़ार व्यूज पर वीडियो पे आते थे, यूजुअली ऐसा नहीं हो रहा है। सो हमारे इनिशिएटिव को प्लीज सपोर्ट जरूर करें, हर वीडियो को लाइक करें, हर वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। क्या है मतलब, हमें एक वीडियो बनाने में 2 से 3 घंटे जाते हैं, एडिटर एडिट करता है, देन वील अपलोड इट। अगर आप एक शेयर कर दोगे विद इन योर 5 सेकेंड्स, आपके 5 सेकेंड से हमें काफ़ी फायदा हो सकता है और डेफिनेटली आपके साथ आपके दोस्तों का भी फायदा होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, उम्मीद करता हूँ आप लाइफ में बहुत प्रोग्रेस करें। थैंक यू। महाराष्ट्र के बहुत सारे स्टूडेंट 100 out of 100 स्कोर कर चुके हैं, 99% से ज़्यादा मार्क्स महाराष्ट्र सीटी में स्कोर कर चुके हैं। क्या आप अगले स्टूडेंट बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि नेक्स्ट 100 out of 100 स्कोरर या फिर 99% आप बने? अगर जवाब हाँ है तो इन नंबर पे कॉल करें या फिर विजिट करें vidyakul.com ताकि आप हमारे रैंक बूस्टर कोर्स में एडमिशन ले सकें। इन कोर्सेज की हेल्प से आप एग्जामिनेशन की बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें या फिर विजिट करें vidyakul.com।